तो यहां पर सूत जी बता रहे हैं कि काल व्याल मुख ग्रास, काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, आयु सबकी निश्चित है, लेकिन इस छोटी सी आयु में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। अब यहां पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कथा सबसे पहले किसने किससे कही। सूत जी बताते हैं कि कथा सबसे पहले शौनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। शौनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। तो नारद जी ने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, तो वो आते हैं, आकर पहुंचते पहुंचते हरिद्वार तक पहुंचते हैं। वहां पर शौनकादि ऋषियों से उनका मिलना होता है, तो वो देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है, बहुत चिंतित है। तो उन्होंने चिंता का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, पर यहां आने के बाद तो मैंने उल्टा ही दृश्य देखा। यहां तो घर घर में कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बेटियां ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, व्यक्ति धन के पीछे ऐसे पागल हो रहा है कि सही गलत का फर्क भूल गया है। ये देखते देखते मैं वृंदावन गया, वहां यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा बैठी है, बहुत रो रही है, उसके पास नीचे दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं, ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, यानी कुछ भी हो सकता है। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि वो कौन थी, आपने पूछा नहीं? बोले मैंने पूछा। उसने कहा मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। उसकी ऐसी परिस्थिति कैसी हुई? नारद जी ने कहा, उसने कहा कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पे टीका लगा भी देख लेते तो पूरा गांव पीछे लग जाता कि इसको गांव से बाहर निकाल, वरना ये पूरा गांव खराब कर देगा। आज बात कुछ और ही है, आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट है, इतनी भक्ति है वहां। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति के बाद जो सबसे पहले भक्त हुए थे वहां, वो थे नरसिंह मेहता, इसलिए उनको भी बहुत परेशान किया गया था, वो वहां के पहले भक्त हुए और उन्होंने भक्ति का जो बीज रोपण किया और उसके बाद जो फसल आई है, आज तो स्थिति कुछ और है, पर उस वक्त भक्ति नहीं थी। तो उसने कहा गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई, पर वृंदावन आकर मैंने यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र है वह अभी तक, आप उनके लिए कुछ करिए। तो बोले आपने कुछ किया नहीं? नारद जी ने कहा मैंने किया, मैंने वेद उपनिषदों के श्लोक कहे, पर जब तक कहता तब तक तो वो थोड़ा चेतन अवस्था में आते, मैं जैसे ही चुप हो जाता वो वापस बेहोश हो जाता, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब शौनकादि ऋषियों ने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्तापरायण करिए। सप्तापरायण यानी, आइए जल्दी जल्दी बैठ जाएं सब, सप्तापरायण यानी सात दिन की कथा, महीना परायण भी होता है, एक महीने की कथा, यानी कथाएं इतनी है। तो उन्होंने कहा आप सप्तापरायण करिए। नारद जी ने कहा कहा है तो आप ही कर दीजिए। तो वहां पर कथा करते हैं और सातवें दिन वहां साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, ज्ञान और वैराग्य को
उनकी यौवन अवस्था वापस करते हैं। भक्ति से कहते हैं कि क्या चाहिए वरदान में। भक्ति ने कहा एक वचन चाहिए। कैसा वचन? भक्ति कहे मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा आप उसके घर जरूर जाएं। इसीलिए भक्ति को इतना महत्व दिया गया है। देखिए कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के दो रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। और इनमें अंतर क्या है? जैसे आप कोई बड़ी डिग्री करने जाते हैं ना, तो दो तरीके की कॉलेजेस होती है, एक जो आपको डिग्री देती है और एक डिग्री के साथ नौकरी देती है। ज्यादा अच्छी कॉलेज कौन सी है? नौकरी वाली। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। अब भक्ति भगवान को प्राप्त करने में नौकरी क्या है कि भगवान का साथ, भगवान आ जाए। अब भक्ति में भगवान ने वचन दे दिया, यानी बंद गए, आना ही पड़ेगा। अगर किसी ने भक्ति चुना है तो भगवान मिलेंगे, ये बात पक्की है। तो इसीलिए ज्ञान में डिग्री मिल जाती है, अब ज्ञानी है। भक्त में डिग्री भी मिलेगी और वचन है और भगवान भी मिलेंगे, ये तो पक्का है ही, पक्की बात है। और भक्ति असल में क्या है? भगवान के बारे में जानना। श्रीमद् भागवत वेदव्यास जी ने लिखी थी, तब भी प्रसंग यही था, आप आगे सुनेंगे, कि नारद जी ने उनको यही कहा कि अभी तक जो भी लिखा उसमें ज्ञान को महत्व दिया, अब भक्ति रस भरिए। कलयुग में भक्ति रस को सुनने वाले बहुत हों।